अब इस पूरे विवाद में राष्ट्रीय महिला आयोग भी सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि यह बयान सर्वोच्च पद पर बैठी महिला का अपमान है और राष्ट्रीय महिला आयोग उदित राज को नोटिस भेज रहा है। तो उदित राज की मुश्किलें यहां से बढ़ने वाली हैं। हालांकि उदित राज से हमने जब बात की तो उन्होंने माफी मांगने से इंकार किया, साथ ही ये भी कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो दोबारा भी करेंगे क्योंकि उनके समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं और उनके समाज की बात नहीं उठाई जाएगी, तो फिर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल बार बार किया जाएगा। ये उदित राज के स्टेटमेंट है। हालांकि जोर देने पर उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति को नहीं, मैंने द्रौपदी मुर्मू कहा था। अब ये दोनों अलग अलग कैसे हैं ये तो उदित राज जाने, लेकिन फिलहाल उदित राज ने माफी मांगने से इंकार कर दिया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि माफी मांगे, नोटिस भेजा गया है।